हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया ये इंटीग्रेशन इंटीग्रल ये है क्या चीज। तो बच्चों अगर हम इसके बेसिक्स से बात करें तो आप लोगों ने फिफ्थ चैप्टर के अंदर सिक्स चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव पढ़ रखा है, यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ रखा है फंक्शन को। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, जो इंटीग्रेशन शब्द है, इंटीग्रल है, ये इसका मतलब ये होता है कि एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो फंक्शन जिसका भी हमें इंटीग्रेशन करना हो वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब समझने की कोशिश करते हैं जरा किस तरीके से। देखो इंटीग्रल जो है हमारे चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के अंदर हम इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है बच्चों? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव का उल्टा। सिंपल सी बात है, एंटी मतलब क्या? डेरिवेटिव का उल्टा। तो हम डेरिवेटिव का हम उल्टा कैसे करते हैं वो देखते हैं जरा। पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, बेसिक सी बात है। देखो जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं, और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सिर्फ डी एक्स लगाते हैं। देखो भी उल्टा हो गया ना डी एक्स। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं, और इंटीग्रेशन करते समय क्या लगाते हैं? डी एक्स लगाते हैं, और ये सिंबल लगाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से। क्लियर? अब अगर हम एक बेसिक सी बात करें तो जब आप d अपॉन dx करते हो साइन x का, किसका करते हो बच्चों? साइन x का। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। क्लियर? अब जब आप cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव, यानी उल्टा करना है। तो आपको ये सोचना है, ये समझना है कि भाई जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, और वही आपका इंटीग्रेशन आंसर है। क्लियर बच्चों? आई रिपीट एक बार फिर से कि जिस चीज का, जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको यह सोचना होता है कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। जैसे कि अगर हम बात करें साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। अब अगर आपको कॉस एक्स का ही इंटीग्रेशन करा तो सोचना है क्या कि ये जो कॉस एक्स है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है बच्चों? किस फंक्शन का? साइन एक्स का ही तो है। तो आंसर क्या हो गया? cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। अब ये c क्या चीज है? देखो बच्चों जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, जिसको हम कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहते हैं, और वो फंक्शन लगाते हैं c। c का मतलब होता है कि भैया यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर है, और c ये शो करता है कि भाई सवाल का जो है इंटीग्रेशन हो चुका। क्लियर? तो इसीलिए जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे किसी भी फंक्शन का तो आंसर के लास्ट में आपको सी लगाना जरूरी है, जिसका मतलब होता है आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट नंबर। क्लियर बच्चों? क्लियर। अब सेकंड चीज देखते हैं, अगर हम cos x का डेरिवेटिव करते हैं, cos x का, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? माइनस का sin x। भाई cos x का अगर आप d / dx निकालते हैं तो बनता है माइनस का sin x। तो इसी प्रकार से अगर हमें sin x का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए sin x का, तो आप सोचोगे ना कि भाई साइन एक्स जो है वो किसका डेरिवेटिव है? तो भाई कॉस एक्स का है। तो आंसर क्या आ गया? कॉस एक्स। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते तो माइनस का साइन आता है, और अगर आप सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस आया। लेकिन जब ये माइनस है तो यहां भी तो माइनस लगाना होगा, तो इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है बच्चों? माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। कुल मिला के बात यह है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। अभी यहां पे हमने दो एग्जांपल देखे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब हम कुछ एक्स के फॉर्म में कुछ इंटीग्रेशन करके देखते हैं, कुछ एक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे। सपोज करते हैं कि अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है एक्स स्क्वायर का डीएक्स करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों करना क्या है? अब आपको ये सोचना है ना कि एक्स स्क्वायर भाई किसका डेरिवेटिव है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेसर हो जाता है। ठीक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है तो वहां पे सोचना आसान है कि भाई जो साइन एक्स है वो किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का है या साइन एक्स का है, किस चीज का है। लेकिन यहां पर आपको छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करना है। ट्रिक क्या इस्तेमाल करोगे? किसी भी फंक्शन के लिए भाई चीज के लिए, कि अगर कोई अगर फंक्शन है एक्स के टर्म में है, क्लियर, और उसके ऊपर पावर है, तो पावर वाले का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पावर में वन ऐड कर दोगे, वन प्लस कर दोगे, और जो पावर आए उसी को नीचे लिख देंगे, बस हो गया आपका इंटीग्रेशन। देखो बच्चों कैसे, मान लीजिए एक्स के ऊपर पावर टू है तो टू प्लस वन, और नीचे ही टू प्लस वन, यानी कि एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री प्लस का सी। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्लियर? अब देखो, अब भाई ये इंटीग्रेशन कैसे है ना, क्योंकि मैंने तो बताया कि भाई इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है।
तो क्या मतलब है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करके करते हैं। अगर बच्चों हम डी अपॉन डी एक्स करते हैं इस एक्स की पावर 3/3 का, तो क्या होगा बच्चों? देखो पावर आगे 3x² / 3, 3 × 3 कट गया, तो क्या आया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? प्रूव हो चुका है कि अगर आप एंटी डेरिवेटिव करते हैं तो वही आता है हमारा। क्लियर है जी? तो जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे इस फंक्शन का, इस टाइप के फंक्शन का, तो पावर ऊपर प्लस करके और जो आंसर आए उसी को ही नीचे लिख देंगे, तो बस हो गया आपका इंटीग्रेशन। क्लियर है जी? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बच्चों हम देखते हैं, मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना हो 5x³ dx का, तो सबसे पहले ये 5 को हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट नंबर है। x की पावर 3 dx को अंदर लिखेंगे, 5 बाहर लिख लेंगे। अब अभी हमने बात की है कि भाई जब भी हमें इस तरह से नंबर दिख जाए तो क्या करेंगे, ऊपर 1 ऐड कर देंगे, तो 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 और नीचे भी 4, और प्लस में क्या लगाएंगे इससे, बस हो गया इंटीग्रेशन। चलिए एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर मान लो हमें इंटीग्रेशन करना हो sin 2x का, क्लियर है? अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा sin 2x का, तो सोचते जरा देखो sin 2x का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो sin जो है, अब सोचो आप कि sin जो है वो किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, तो जवाब मिलता है भैया ये जो है वो cos का डेरिवेटिव है। तो इसीलिए sin का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, cos 2x as it is same to same। क्लियर है? अच्छा अब अगर हम cos का जो डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर आता है माइनस का sin 2x। अब यहां पे तो sin माइनस का है नहीं, तो इसलिए ये sin हम यहां पे लगाएंगे माइनस का। क्लियर है जी? इसका माइनस हम यहां लगाएंगे, लगा दिया माइनस। अब यहां पे 2x का भी तो होगा, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो पहले फंक्शन का करते हैं और पीछे जो थीटा होता है उसका करते हैं, तो यहां पे जब आप इस फंक्शन इस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, अब डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, भाई 2x का अगर आप डेरिवेटिव करते तो 2 होता है ना, तो इस 2 को हम इसके नीचे लगाएंगे यहां पे और प्लस में लगा देंगे c, बस ये हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या अगर हम d / dx करते हैं इस फंक्शन का तो क्या यही आंसर आता है, तो चेक करते हैं जरा। देखो अगर आप d / dx करते हो -cos 2x / 2 का, तो बच्चों क्या होगा, देखो माइनस तो माइनस है, cos x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होता है माइनस का sin 2x, sin x हो गया ये, और ये अपॉन में ये वाला 2, और जब आप इस थीटा का डेरिवेटिव करोगे 2x का तो क्या आना है सिर्फ 2, इस 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो क्या आया sin 2x। क्लियर है जी? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जरा। बच्चों देखते हैं cos 3x का dx। अब देखो cos x का है ना, cos x, तो भाई cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, cos x जो है किस टर्म का डेरिवेटिव होता है, तो आंसर है जी sin x का, कि जब हम sin x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है cos x, तो भाई इसका आंसर क्या होगा उल्टा, cos 3x का क्या होगा sin 3x। क्लियर है? क्योंकि जब sin का डेरिवेटिव करते हो तो cos आता है, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x। अब यहां पे 3x है तो इस 3 को हम आगे नहीं लगाएंगे बल्कि कहां लगाएंगे बच्चों, नीचे, और प्लस का c, बस ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जो कि बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। जो हमने डेरिवेटिव में पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें हैं। तो अब हम आगे शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की, तो चलिए शुरू करते हैं। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 2x और इसका हमें इंटीग्रेशन करके दिखाना है, यानी एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन करके। तो बच्चों बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन कर लो सीधा सीधा। अब sin x, तो जो sin थीटा होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है cos का, भाई cos का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो आता है माइनस का sin थीटा। क्लियर है? तो जब sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आना है माइनस का cos 2x। क्लियर है बच्चों? क्योंकि जब आप cos का करते हैं तो माइनस का आ, और यहां पे माइनस का चिन्ह नहीं है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जगह पे कि भाई जब cos का sin का करते हैं माइनस कहां से लेकर आ रहे, तो भाई जब आप सोचो जब आप cos x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin, अब इधर माइनस तो है नहीं तो ये माइनस यहां पे लगाएंगे। क्लियर है जी? तो ये आ गया sin 2x का, आ गया cos 2x। अब थीटा यहां पे 2x है तो 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो सिर्फ 2 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में हम आगे नहीं लगाएंगे बल्कि कहां लगाएंगे नीचे, और प्लस का c। क्लियर है जी? अब हम इसका इंस्पेक्शन कर लेते हैं, कि बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोला गया है, तो इंस्पेक्शन करते हैं और जांच करके देखते हैं कि आंसर हमारा सही है या नहीं। अब जांच कैसे करेंगे, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो और ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, तो चेक करते हैं जरा। माइनस और 2 हम बाहर ले लेते हैं, -1/2 d/dx करेंगे, देखिए ये 1/2 हमने बाहर ले लिया, माइनस से बाहर ले लिया, d/dx करते हैं cos 2x का। क्लियर है जी? तो माइनस का 1/2
इनटू में, जब आप cos x का डेरिवेटिव करते हो तो माइनस का sin 2x, और जब आप 2x का करते हो तो सिर्फ 2, इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्वेश्चन क्या आ गया sin 2x, ये लो जी हो गया जी क्वेश्चन फर्स्ट। क्लियर, कुछ भी मुश्किल है, बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा cos 3x का dx। अब बच्चों cos 3x, cos थीटा यानी cos थीटा समझो आप, cos थीटा किसका डेरिवेटिव होता है, बहुत अच्छे बच्चों किसका डेरिवेटिव होता है sin थीटा का। अगर आप sin थीटा का d/dx करते हो तो आता है cos थीटा, तो बस cos थीटा से क्या लिख देंगे हम sin 3x, और इस 3x का जब डेरिवेटिव करोगे तो आता है 3, तो 3 मल्टीप्लाई में नहीं बल्कि डिवाइड में प्लस सी। क्लियर है जी। अब हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करके देखते हैं इसका हम डेरिवेटिव करते, तो 1/3 बाहर ले लेते हैं, d/dx करेंगे हम sin 3x का, तो 1/3 गया बाहर, अब sin x 3x का होगा cos 3x, और जब आप 3x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आता है बच्चों 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा cos 3x, मैच हो रहा है बिल्कुल। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है हमारा e2x का dx। अब यहां पे समझते हैं, देखो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम d/dx करते हैं ex का तो आंसर क्या होता है ex। क्लियर, जब आप ex का d/dx करते हो तो आंसर होता है ex, तो जब आप ex का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या होगा ex। तो इसी प्रकार से जब आप e2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर होता है हमारा e2x, लेकिन पावर का जब डेरिवेटिव करोगे तो हम 2 आना चाहिए, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो यहां पे 2 जो है ऊपर लगा करके हम लगाएंगे नीचे और प्लस में c। क्लियर है जी। इसके बाद अगर आप इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन कर लेते हैं जरा, 1/2 बाहर लेकर के d/dx करेंगे e2x का, तो देखो 1/2 इसका जो डेरिवेटिव होगा वो e2x ही होगा, और 2x का करोगे तो 2, 2 से 2 गया तो e2x। क्लियर है जी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जरा, इंटीग्रेशन करना है हमें ax plus b की पावर 2 और dx, ax plus b की पावर 2 और dx। तो बच्चों अब हम इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं, देखो इंटीग्रेशन क्या हुआ, ax plus b जब भी पावर हो तो पावर में 1 प्लस करके जो आंसर आया वो से नीचे लिख देंगे, जब इसके अंदर आप 1 प्लस करोगे तो 2 और 1 क्या हुआ 3/3, ये हो गया। क्लियर, पावर का हो गया। अब सोचो अगर आप ax का डेरिवेटिव करते हो तो आता है a, और b का डेरिवेटिव क्या होगा 0, a से डेरिवेटिव होगा a और b से डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो हम सिर्फ ax वाले का डेरिवेटिव यदि करते हैं तो आता है a, तो a हम ऊपर लगा के लगाएंगे बच्चों नीचे और प्लस का c। ठीक है जी, बार फिर से ax का डेरिवेटिव तो a ही होगा ना, x तो 1 हो गया, तो ax की जगह पे बचा a, तो a को हम नीचे लगा देंगे, हो गया डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अब हम इसका इंस्पेक्शन करके देखते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको, 1/3 है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे d/dx करेंगे हम किसका ax plus b की पावर 3 का, तो देखिए बच्चों 1/3 है मल्टीप्लाई, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 आया बाहर और यहां पे आया a plus b की पावर 2, ax का डेरिवेटिव होगा a, b का डेरिवेटिव 0, 3 से 3 गया, a से a गया, यहां आ गया ax plus b की पावर 2 सॉल्यूशन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा साइन 2x माइनस का 4e3x और बाहर है dx। क्लियर जी, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बच्चों हमेशा समझना याद रखना है कि अगर टर्म अलग अलग हो बीच में प्लस माइनस हो तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम सभी टर्मों को सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, अगर टर्म अलग अलग है प्लस माइनस है बीच में तो क्या करेंगे इसको अलग कर लेंगे इसको अलग, इसको अलग करोगे तो क्या बनना है, ये बनना है साइन 2x का dx माइनस, अब 4 बाहर ले लो आप कॉन्स्टेंट, e3x का dx। क्लियर है जी, देखो sin 2x dx आपको यहां लगाना जरूरी है, माइनस का 4e3, अब 4 को हमने कांस्टेंट है नंबर तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे हम, और लेंगे e3x और dx। क्लियर है जी। अब sin 2x फिर वही बात, sin जो है किसका डेरिवेटिव होता है जी, sin किसका डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, किसका होता है cos का, कि जब आप cos का डेरिवेटिव करते हो तो आता है माइनस का sin, तो इसलिए जब आप sin का इंटीग्रेशन होगा तो आएगा माइनस का cos 2x, और जब 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो 2 जो है ऊपर ने लगा करके इंटीग्रेशन लगाते हैं हम नीचे, फिर ये हो गया माइनस का 4। अब आप ex का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले सोचो ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है, तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो भी क्या होगा e3x। क्लियर, अब 3x का जो डेरिवेटिव होता है 3, तो इसके नीचे लगा देंगे हम 3 और प्लस का c।
क्लियर जी। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन करना समझ में आ गया होगा, और अब आप इसका जो इंस्पेक्शन है वो खुद करें और मुझे नीचे कमेंट में करके बताएं कि आप लोगों से इसका इंस्पेक्शन हो पाया या नहीं हो पाया। क्लियर जी।